इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के जिला बरेली से सामने आ रही है, जहां बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव ग्वारी में गेहूं के खेत में दो शव पड़े मिलने से सनसनी फैल गई। एक शव 22 साल के युवक का तो दूसरा 21 साल की युवती का है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। खेत में दो शव पड़े मिलने की सूचना पर SP नॉर्थ मुकेश चंद मिश्र बहेड़ी थाने के फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शवों की शिनाख्त कराई। मृतकों की पहचान गांव ग्वारी निवासी सोमपाल और निर्मला के रूप में हुई है। दोनों कल से अपने अपने घरों से लापता थे। पुलिस को जांच के दौरान खेत में शवों के पास से कीटनाशक दवा की बोतल मिली है, साथ ही शवों के पास से दो बैग मिले हैं, जिससे लग रहा है कि दोनों बैग में सामान लेकर घर से भागे थे। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ हो सकेगा कि दोनों की मौत कैसे हुई। उधर गांव में दोनों की गला दबाकर हत्या किए जाने की चर्चा है। आइए आपको दिखाते हैं कि मामले में SP नॉर्थ ने क्या जानकारी दी। आज दिनांक 4 अप्रैल को थाना बहेड़ी क्षेत्र अंतर्गत चौकी बुढ़िया कॉलोनी में ग्राम ग्वारी के गेहूं के खेत में दो शव पड़े मिले हैं, जो कि प्राथमिक छानबीन के अनुसार प्रेमी युगल के हैं और इनकी पहचान निर्मला तथा सोमपाल, जो कि 21 वर्ष और 22 वर्ष के हैं और ग्राम ग्वारी के ही रहने वाले हैं, के रूप में हुई है। शव के पास पेस्टिसाइड्स के डिब्बे पड़े हुए मिले हैं और इनको सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। परिजनों से वार्ता की जा रही है, तथ्य और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत तथ्यों का समालोचना करने के उपरांत अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। जगतपाल क्या हुआ ये? किस तरह से आप काम कर रही थी? ये बहन हमारी दिल्ली काम के लिए गई थी और 31 तारीख की शाम को खाना खा के उसके बाद सोई गई, फिर रात के 3 बजे से गायब हो गई। अच्छा, हाँ, दिल्ली से। अच्छा, फिर कहाँ कैसे मिले? ये हमें कुछ जानकारी नहीं है, हमने रिपोर्ट लगाई तुरंत दूसरे दिन के लिए और हमने टाइम भी मांगा था, हमने टाइम दिया, फिर हमने अपने पुलिस में रिपोर्ट लगाई और कल भी लगाई रिपोर्ट, आज भी हम बरेली आए थे रिपोर्ट लगाने के लिए, फिर कुछ पता नहीं चल पाया और जब हम पता चला कि आज दोपहर के टाइम डेड बॉडी जंगल में पड़ी मिली। अच्छा, तो क्या लोगों का आपस में चक्कर चल रहा था, क्या था इनका? इसका हमें कुछ जानकारी नहीं थी, अगर जानकारी होती हमें पहले से तो हम इस चीज़ का सुधार करती। तो जैसे इनको जो आपने दिल्ली भेजा था इसीलिए भेजा था ना कि यहाँ से? नहीं नहीं, वो हमारी बहन बहनों ही ले गए थे, कह रहे थे चल हमारे साथ चलना, वहाँ गरीब आदमी हम तो सोचा कुछ काम धंधा करके अपना गुजारा करेंगे। अच्छा, तो शिकायत कौन से थाने में की थी आपने? बहेड़ी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, वो पुलिस वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। तो आज कहाँ मिली इनकी लाश? इनकी उसी के खेत में मिली थी, सोमपाल। सोमपाल के खेत में मिली? हाँ, उसके उसके मौसा है, पता नहीं कौन, उसी के खेत में थी। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है जे इन्हीं लोगों का दवा वबा खाइए, पता नहीं क्या इनके वो दवा वहाँ रखी थी। अच्छा, हाँ, वो तो पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। तो इन लोगों की जो आपस में जो चक्कर चलो उसकी जानकारी नहीं थी क्या? नहीं, हमें जानकारी नहीं थी। क्या नाम है आपका? टीकाराम। ये कौन कौन है आपके? हमारा लड़का भतीजा है, भाई का लड़का है। सोमपाल। क्या हुआ पूरा मामला? जे क्या कहते पहली को चला गया था घर से कि उधर को नौकरी करने जा रहे हैं, तो उनने कहा थे दिल्ली बुला लो, दिल्ली ही वो। अच्छा। दिल्ली से फिर बाद वापस इतवार को बात भैया एक बार फोन पे, फिर फोन है सोचा फिर बातें। अच्छा। हाँ। तो ये लड़की दिल्ली से कब आ गई थी? लड़की दिल्ली थी ना, होली बाद वो गई थी ना। अच्छा। उनकी बहन रहती है, वो काम करती है। अच्छा। बहन के पास थी। तो आज कहाँ क्या मिला, कैसे मिला? आज तो खेत में सब मिला इनका पड़ा हुआ दोनों का। हाँ। क्या लग रहा है आपको? अब क्या लग रहा है, वहाँ पर पोजन भी रखा हुआ था, अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्टें बता रही है पोजन खाओ या किसी ने मार के फेंका। तो आपको शक क्या है? सब क्या बताऊं मैं, अब रिपोर्ट जो बताई वही बता गई, अब हम तो पढ़ा तो वो खुशबू तो आई रही पाजन की, अब क्या, अब उनके तो हाथ पाँव टेढ़े मेढ़े पर एक, आप तो कई दिन से परे क्या चक्कर है? सुबह आदमी खेत पर गए तो था ही ना, कुछ नहीं था। अच्छा। वो तार नहर के तार लाइट के खंभे गड़ रहे हैं, वो तार लगा रहे थे तो वो लाइटिंग करने गया था बोतल लेकर, उसने देखा उस पर बिजली लाइनमैन का नंबर हुआ हमारे गांव का, उसने फ़ोन कर दिया कि डेड बॉडी पड़ी है, दोनों लाशें पड़ी है। हाँ, तो वो गांव का लड़का था, उसने सब में गांव में बता दिया। अच्छा, ये जो लड़की है निर्मला, ये दिल्ली से कब निकली थी, बता पा रहे हैं कुछ? ये जिनने यही बताया था जी दूसरे दिन शनि से
को चला आज दिन भर, इतवार को सुबह को 3 बजे वहाँ से गायब हो गया है। अच्छा, उनने अपने घर वालों को फोन कहा कि लड़की ले गई, ले गए, हाँ गायब हो गई। तो क्या ये लोग विरोध कर रहे थे, इनको पता तो था इन लोगों आपस में चक्कर चल रहा है? अब अभी नहीं पता हुई या चीज़ की, तभी तो पता भेजी थे ना इन्होंने, शादी करना चाह रहे थे तो लोग, क्या था शादी करना चाहते तो होती ना, फिर ऐसे थोड़ी होता, कहा कहते फिर मारा तोड़ी थोड़ी होती, फिर शादी को होती, अलग अलग कास्ट शादी को कोई भाई नहीं, मतलब गंगवार हैं ऐसी में, शादी को शादी को नहीं राजी थे, शादी से करना चाहते थे नहीं, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा,